यारो एक ऐसा ताकतवर समुद्री लुटेरा जिससे आधा समुद्र थरथराता था, जिसे आज हम हॉलीवुड की सुपरहिट मूवी पीरियड्स ऑफ द कैरेबियन की वजह से जानते हैं। लेकिन इस मूवी का ये कैरेक्टर कैप्टन जैक स्पैरो कोई नकली कैरेक्टर नहीं है यारो। इसका असली नाम जैकवर्ट था, जो इंग्लैंड की सल्तनत के लिए काम किया करता था। लेकिन कुछ समय बाद उसने इंग्लैंड काम करना बंद कर दिया और अपने साथियों के साथ व्यापारी जहाजों को लूटने लगा। और अगले कई साल उसने कई बड़े जहाजों को लूटा। लेकिन एक दिन उसे लगा कि अब घर वापस लौटना चाहिए, तो उसने इंग्लैंड की सल्तनत को एक खत लिखा। लेकिन इंग्लैंड की सल्तनत ने उसे माफ करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ऐसी हालत में इंग्लैंड जाने की वजह जैकवर्ट को ट्यूनिस जाना पड़ा, जहाँ उस वक्त उस्मानिया हुकूमत कायम थी। ट्यूनिस के गवर्नर ने जैकवर्ट को न सिर्फ माफी दी बल्कि उसे उसकी जिंदगी की जमानत भी दी। इस बात से पार होकर जैकवर्ड ने एक साल बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उस वक्त से उसका नाम यूसुफ राइस हो गया। और अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं।